नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से एकनाथ शिंदे पर हमला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चैलेंज दिया, चुनौती दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एकनाथ शिंदे साहब आप में दम है तो आइए और सामना कीजिए। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको समझाते हैं। पहले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी है, चेतावनी दी है, कहा कि इस्तीफा पहले दे दें और फिर चुनाव का सामना करें मेरे सामने आकर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से अभी वो बीजेपी के साथ जाकर मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बीएमसी का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, आप में दम है तो आप ऐसा करें, बीजेपी का साथ छोड़ दें, इस्तीफा दे दें अपने पद से और आकर जो है मेरे साथ चुनाव इसका सामना करें। इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना के बदौलत उन्हें वोट मिली है, शिवसेना के बदौलत वो विधायक हैं, शिवसेना के बदौलत ही आज उनकी सरकार है, इसीलिए वो इस तरीके का खुलेआम तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि बीएमसी के चुनाव है, आदित्य ठाकरे साहब उसी में जूझ जाएं, विधानसभा के चुनाव होंगे, शिंदे जी यानी कि एकनाथ शिंदे हारे जीते अपनी जगह है, बीजेपी हारे जीते अपनी जगह, आप जीत के जीख दिखाएं ये मतलब है, दूसरा जीतेगा हारेगा इस्तीफा देगा वो बात की बात है। तो देखिए, जितना खुलेआम तरीके से आप चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उतना ही होशियार आपको भी होने की ज़रूरत है कि आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कैसे आप जो हैं भिड़ंत करेंगे। आपने देखा कि कैसे दोनों के आपने सामने हाथापाई हो रही है, भिड़ंत हो रहा है, तो ये तस्वीरें चिंताजनक है जो हम सबको होशियार होने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे किया जाएगा, सवाल ये भी है कि आखिर किस तरीके से इस चुनौती का जवाब देंगे। देखना होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या जवाब देते हैं, शिंदे जी कैसे क्या जवाब देते हैं आदित्य ठाकरे के इस बयान का। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पेन 9 न्यूज़।